जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बाल गोपाल, तुझे खूब लंबी उम्र दे। जीते रहो बेटा, तुम्हें हर सफलता मिले। जीते रहे मेरे बच्चे, बाल गोपाल तेरी झोली हमेशा खुशियों से भरी रखे और उसी झोली में खूब सारी कामयाबी भी डाल। भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे। हाँ, और तुम्हारे जीवन में इसी तरह मिठास भरी रहे। तो बड़ी बात। मुंह खोल, मुंह खोल। बस थोड़ा। शाबाश। ये लीजिए आपका गिफ्ट। थैंक यू अंशु, पहला गिफ्ट आपने दिया है मुझे। दादू, पर आप मेरा रिटर्न गिफ्ट मत भूलिएगा। चला, तो इसलिए तुमने मुझे गिफ्ट दिया है? तो क्या शाम को तो हम सब अंशु वो किचन में जाकर देखो ना, तुम्हारे लिए गुजिया रखी है, तुम्हें खानी थी ना, जाओ जाकर ले लो। गुजिया? दादू मैं एक मिनट में आया। सौरभ, आज तुम्हारा जन्मदिन है लेकिन आज ऑफिस में एक जरूरी काम आ गया, हम एक काम करते हैं उसे जल्दी से निपटा के आ जाते। काका ठीक है, अभी चलना पड़ेगा? हाँ हाँ अभी, जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आएंगे। चलो वर्षा, ये चलें। चलिए आओ। अरे वर्षा जी, बेटा अक्षरा और जमाइसा को फोन कर दे, न्योता देना है ना। शर्ट के बटन्स लगाने भी नहीं आते, शादी से पहले कैसे पहनते थे? आपसे मिलने के बाद सब कुछ भूल गया। ओहो, अब किसका फोन है? वर्षा का है। हेलो वर्षा, मैं सुबह से फोन करने की सोच ही रही थी। अच्छा सुन, सबसे पहले दादू को फोन दे, मैं उन्हें विश तो कर दूं। कोई जरूरत नहीं है। क्यों वर्षा, मैं फोन करने ही वाली थी। अरे बुद्धू, पहले मेरी पूरी बात तो सुन, शौर्य के लिए आज सरप्राइज पार्टी रखी है। क्या? हाँ घर पे। और हाँ, उनके सारे दोस्तों को भी बुलाया है। क्या सच? बाहुजी ने परमिशन दे दी घर में पार्टी रखने की? हाँ परमिशन भी दे दी है, और ये सरप्राइज पार्टी का आइडिया उन्हीं का तो है। आज शौर्य दादू का बर्थडे है और बाहुजी ने उनके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। हाँ, और तुम दोनों को आना है समझी? हाँ मैं बस एक बार माँ से पूछ लूँ फिर तुझे बताती हूँ। अरे इसमें माँ से पूछने वाली क्या बात है? लाइक भाभी, हम लोग जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, आपको आना भी है और ये सरप्राइज पार्टी शौर्य से छुपा के भी रखनी है। जी हम लोग उन्हें जरूर सरप्राइज देंगे। ओके बाय। जी बाय। हाँ कहने से पहले एक बार माँ से पूछ तो लेते। अक्षरा, आप क्या अम्मा जैसी बातें कर रही हैं? और रस्मों रिवाजों में मत पड़िए, माँ कभी मना नहीं करेंगे। शौर्य दादू का जन्मदिन है, हम जाएंगे बस। सब अच्छे से चमका देना धनिया। जी कुछ तय हुआ माँ, क्या बनाएंगे हम?
बस बड़ी बहू सोच ही रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं। सॉरी की मां, हम चलते हैं, दफ्तर के लिए देर हो रही है। जी 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 सुनिए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें सारी तैयारी। इस तरह का जन्मदिन, ये पार्टी पहले तो कभी की नहीं है हमने। शौर्य की माँ, समय के साथ साथ बच्चों की खुशी के लिए हमें भी थोड़ा बदलना चाहिए। अब आप चिंता किए बिना वही कीजिए जो शौर्य को अच्छा लगता है। दीदी, हम मावा की कचौड़ी बना लें। हमें तो मारवाड़ी खाना ही आता है। माँ, मैंने सबको फोन कर दिया है। नैतिक जी कह रहे थे हम लोग जरूर आएंगे। हाँ? और उनके सारे फ्रेंड्स भी बहुत खुश हैं। अच्छा, लेकिन ये दोस्त बैठेंगे कहाँ? अब कमरे में। नहीं नहीं बेटा, कमरे में क्यों, यहाँ बैठक में बैठाएंगे। बड़ी बहू, हमारी छत भी तो है, वहाँ ठंडी हवा भी चल रही होगी। ना ना, वहाँ मच्छर भी तो होवेंगे। ये सब कुछ शौर्य तय कर लेगा ना। जी जी सुनिए, वो जब सब लोग आएंगे तो ठंडे में उन्हें क्या पिलाएंगे? अरे बड़ी बहू, हम मसाले वाली छाछ बना देंगे। जहाँ तक हम जानते हैं, अच्छे छाछ नहीं पिएंगे। ठंडाई ठंडाई तो रहेगी ही। बड़ी माँ, नींबू पानी? अब नहीं नहीं, फ्रूट जूस। हाँ जूस। ये सब कुछ आप तय कर लीजिए, हम चलते हैं। जी जी, एक बात और, जब सब लोग आएंगे तो हम औरतें कहाँ जाएंगी? मतलब आप कहाँ जाएंगी? जी मतलब हम लोग कहाँ रहेंगे? अब लड़कों के सामने हम क्या आएंगे? बड़ी बहू, शौर्य के दोस्त ही तो है, बच्चे हैं, घर आ रहे हैं हम सबसे मिलने, उनके सामने जाने में क्या हर्ज है? नहीं नहीं माँ, वो बात नहीं है, मेरा मतलब ये है कि कहीं वो लोग हमसे ना शर्माए, हमारे सामने खुलकर हंसी मजाक बातचीत नहीं कर पाएंगे। और इसी संकोच में कहीं वो बोर ना हो जाए। ये बात तो ठीक गई, तो फिर हम लोग ऐसे करेंगे कि हाँ, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे और फिर अंदर चले जाएंगे। ये ठीक रहेगा। चलिए अब्बा, अब सब तय हो गया, अब जाएं हम। जी बहू, तुम्हारे दादाजी को बुला ला। रुको बेटा, जाने की जरूरत नहीं, कारोबार के सिलसिले में दादाजी फोन पर बात कर रहे हैं, आ जाएंगे। गुलाबो, ये क्या, मेथी की खिचड़ी? ये तो महाराज जी ने बनाई है छोटी माँ। महाराज जी, आपने मेथी की खिचड़ी क्यों बनाई? हमने तो नाश्ता के लिए बनाई छोटी दुल्हन। लेकिन मैंने तो बनाने को नहीं कहा था ना। अक्षरा, मैंने कहा था तुमसे नाश्ते में आलू के पराठे बनेंगे, फिर ये बनाने की क्या जरूरत थी? सुबह सुबह मेथी की खिचड़ी खाता है क्या कोई? लेकिन छोटी दुल्हन, कभी भी खा लेते हैं। लेकिन आज किसी को नहीं खानी थी। कब किसे क्या खाना है ये कुछ सोच समझ कर ही आपको बताती होंगी ना, लेकिन आपको तो सुनना ही नहीं। और अक्षरा, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे सामने मैंने साफ साफ कहा था ना कि नाश्ते में क्या बनेगा। छोटी दुल्हन, खिचड़ी बन गई तो ऐसा क्या हो गया? आप समझ नहीं रही हैं भाभी माँ, जब मैंने एक बार कह दिया है तो इन्हें अपनी मर्जी चलाने की क्या जरूरत थी? इस बात को अब आप यहीं खत्म करिए। ठीक है, मैं समझती हूं आप क्या कह रहे हैं। आज से कुछ नहीं कहूंगी। छोटी दुल्हन, महाराज जी को खिचड़ी बनाने के लिए मैंने कहा था, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? किसी ने कोई मनमानी नहीं की है।
तो आपने कहा था। माफी चाहती हूँ भाभी माँ, मैं यूं ही गुस्सा हो गई। मेरी गलती थी महाराज जी, जो मैंने आपको टोका। अच्छा अब तू परोस दे, इनको ऑफिस भी तो जाना है ना। चल मैं ही नहीं समझी, भाभी माँ ने कहा है खिचड़ी बनाने को, तो महाराज जी को तो बनानी ही चाहिए। आखिर इस घर में वो ही होता है जो बड़े चाहते, चाहे कुछ भी हो। अच्छा माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। ये बात तो खिचड़ी और पराठे में ही फंसी रह गई कि आज शौर्य दादू का जन्मदिन है। अच्छा आज है? हाँ, वर्षा भाभी ने इनवाइट किया है, शाम को घर पे खाने पे बुलाया है। बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों जरूर जाओ, मैं गरम गरम पूरियां लाती हूँ। वर्षा, अरे बेटा तो अभी तक तैयार नहीं हुई है। माँ मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी साड़ी पहनूं, सारी साड़ियाँ इतनी ज्यादा भारी हैं। लो भारी है तो और भी अच्छा है, आखिर शौर्य की पत्नी है तू। माँ अगर घर का कोई फंक्शन होता ना तो इनमें से मैं कोई भी साड़ी पहन लेती, लेकिन शौर्य के ऑफिस से और कॉलेज से फ्रेंड्स आ रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल में हल्की साड़ी ठीक रहेगी ना। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे, अब मुझे तो इतनी समझ है नहीं, बस तू जल्दी तैयार हो जा, फिर चल कर देख ले खाना ठीक बना है कि नहीं। मैं सोच रही थी कि रशियन सलाद भी बना लूं। कौन सा सलाद बेटा? वो माँ फल डालकर बनता है। अच्छा, हाँ शायद खाया है मैंने। ठीक है, लेकिन पहले तू तैयार हो जा, बाकी सब बाद में देखते हैं। अक्षरा आ जाती तो वो भी तेरी मदद कर देती, उसे भी इन सब चीजों के बारे में मालूम है ना, ये सलाद वगैरह। जमाई साके दोस्त तो आते ही रहते हैं उनके घर पर, पता नहीं आई क्यों नहीं अब तक। माँ मैं फोन करके देखू। नहीं नहीं पहले तू तैयार हो जा, बाद में सोचते, जल्दी कर। जी रश्मि, ये देखो कितनी अच्छी डिश है और एकदम इजी रेसिपी है। हाँ माँ बनाइए ना किसी दिन, इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे डिशेज हैं, हम भी ट्राई कर सकते हैं। ओह प्लीज दीदी, अभी से कुकिंग, मेरी सारी फ्रेंड्स भी ऐसी बातें करने लगी हैं, किसी ने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं और किसी की माँ ने उन्हें पार्लर भेजना शुरू कर दिया है। अरे रश्मि आजकल तो सब चीजों के कोर्सेज होने लगे हैं, यहाँ तक कि साड़ी पहनने से लेकर हेयर स्टाइलिंग तक, और तो और शादी से पहले लड़कियां पर्सनल ग्रूमिंग की क्लासेस भी जाती हैं। अच्छा? हाँ माँ, आपको पता है मेरी सहेली अलका, उसने साड़ी पहनने और मेकअप की क्लास शुरू कर दी है। माँ क्या मैं दादू के जन्मदिन में जा सकती हूँ? माँ भाभी। अक्षरा बेटा एक जिम्मेदारी देनी थी तुम्हें। हाँ कहिए ना। आज से तुम रश्मि को अपने साथ रखना, इसे घर का सारा काम सिखा दो
और रश्मि तुझे खाना बनाना मैं सिखाऊंगी। लो हो गया ना माँ पर असर, बेकार में मैंने ये सारी बातें की। माँ मैं वो कह रही थी, इस बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। अक्षरा बेटा एक बात करनी थी तुमसे। रहने दो, किसी और दिन बताऊंगी। बहू ध्यान रखना। अक्षरा अक्षरा क्या हुआ, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? कैसे हो जाऊं, मां से परमिशन लेने गई थी लेकिन बात ही नहीं हो पाई। अक्षरा मां ने मुझसे कह दिया था कि हम हो आए। हाँ पर एक बार बताना अच्छा होता है ना, मां बहुत परेशान लग रही थी। मैं सोच रही हूँ नैतिक मैं आज नहीं जाती हूँ। क्या अभी टेंशन में लग रही हैं? मुझे डर है कहीं मेरे मायके जाने की बात से सब कुछ खराब ना हो जाए। मैं माँ से पूछने ही गई थी लेकिन वो बहुत चुप चुप सी थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। सुबह भी नाश्ते की बात पर वो सबसे नाराज हो गई। मेरी मानिए आप मुझे घर पर रहने दीजिए, आप हो आइए। आप बेकार में ही इतनी टेंशन ले रही हैं, कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हैं। क्या हो गया है आपको? जब से आप वापस आई हैं तब से एकदम बदल गई हैं। आपका व्यवहार भी बदल गया है, सोचने का ढंग भी बदल गया है, बहुत अलग लग रही हैं आप। क्या करूं नैतिक, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी छोटी सी भी बात कोई बहुत बड़ी मुश्किल ना खड़ी कर दे। मैं नहीं आ सकती हूं। ठीक है नैतिक, आप तो जाएंगे ना, आपको जाना चाहिए। देखिए मैं अपनी बात कर रही थी नैतिक। आप अरे तुम दोनों गए नहीं अब तक? तुम तैयार भी नहीं हुई? इतनी देर से जाओगे क्या मेहमान बनके? क्या हुआ, अब क्या सोच रही हो बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ माँ बस अभी होती हूँ। मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। अब आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। सॉरी। सॉरी मैं समझ ही नहीं पाई। I'm sorry. प्लीज माफ कर दीजिए, भूल तो इंसान से ही होती है ना। पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया। मैं
इट्स ओके। मिसेस सिंघानिया, अब चलें? मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।